नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज क्लिक में। अभी हम मौजूद है गुड़गांव के डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ऑफिस में, जहां पर एक मजदूर किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन बेलसोनिका की जो मजदूर यूनियन है उसने किया है, जिसमें अलग अलग मजदूर यूनियन के जो प्रतिनिधि हैं वो भी शामिल हुए हैं, सेंट्रल ट्रेड यूनियन के नेता कुछ शामिल हुए हैं। इसके साथ साथ संयुक्त किसान मोर्चा, जिसके नेतृत्व में पिछले एक साल के लगभग से आंदोलन चल रहा है दिल्ली की सीमाओं पर, उसके नेता यहाँ पे शामिल हुए हैं। पहली ऐसी पंचायत है अर्बन सेंटर में, शहरी इलाके में, जहाँ मजदूर और किसान के दोनों कानून को लेकर चर्चा की जा रही है। एक तरफ जहाँ मजदूर अपने उनके संबंधित चार लेबर कोडों लेकर चर्चा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो किसानों को मुख्यतः जो किसानों को प्रभावित करने वाले जो तीन विवादित कृषि कानून हैं उसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। और एक साझा मंच बनाया गया कि जो किसान जो है मजदूरों की समस्याओं को समझे और मजदूर जो है किसानों की समस्याओं को समझे कि किस तरीके से मजदूरों और किसानों का जो शत्रु है, शत्रु जो पूंजीपति जो शत्रु है, कारपोरेट घराना जो शत्रु है, वो एक ही है। किसान और मजदूर का शत्रु कोई अलग अलग नहीं है। मजदूर विरोधी ये जो लेबर कोड हैं वो वही स्थिति है जब 1928 में असेंबली में भगत सिंह ने बम फेंका था, जिस ट्रेड डिस्प्यूट बिल के लिए जिसमें हड़तालों पे मजदूरों पर भयानक जुर्माना लगाया गया था। वैसे ही ये लेबर कोड्स में हड़ताल को इलीगल घोषित करना एकदम पूंजीपतियों के सरकार के हाथ में है। लंबे लंबे नोटिस देके आप हड़ताल कर सकते हैं, मतलब हड़ताल को असंभव टाइप का बना दिया, और हड़ताल करने पे 10,000 से लेके 2,00,000 रुपए तक जुर्माना। हड़ताल का कोई सपोर्टर है उस पर भी ये जुर्माना दिया जाएगा, और किसी भी हड़ताल को इलीगली घोषित कर देंगे। यूनियन बनाने के अधिकार को जो है ख़त्म किया गया है। स्थायी नौकरियों की जगह पर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट लेके आए हैं, और कई एक फैक्ट्रियां जो हैं श्रम कानूनों के दायरे से बाहर चली जाएंगी, इन लेबर कोड्स के दायरे से बाहर चली जाएंगी, क्योंकि जिन पे ये लेबर कोड्स लागू होंगे उनकी जो तादाद हुआ करती थी पहले, पावर मतलब बिजली से चलने वाले उद्यम में 20 वर्करों की बात थी, गैर बिजली से 40 थी, अब इसकी तादाद को बढ़ा दिया है, 100 तक कर दिया है, 50 तक कर दिया है। तो इस तरीके से कई एक उद्यम जो है छोटे उद्यम इन लेबर कोड से भी बाहर चले गए। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट नीम परियोजना, मतलब पूंजीपतियों को फोकट के मजदूर उपलब्ध कराए। ये जब हमला किया गया लेबर कोड के तौर पर मजदूरों के ऊपर, और ये जो किसानों पे हमला किया गया, एक तो कॉमन बात ये है कि मजदूरों किसानों पे जो हमला करने वाला शासक वर्ग है वो एक ही है, एक ही जगह दोनों कानून पारित हुए, वो भारत की संसद में हुआ। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो हमला हुआ है समाज में दो ही उत्पादक वर्ग, मजदूर और किसान, दोनों पे एक साथ आपने हमला बोल दिया, और दोनों पे एक साथ हमला बोल के सरकार ने पूरी तरीके से जिसके हित में काम किया वो कॉर्पोरेट पूंजी के, पूरे देश में पूरे सारी इंडस्ट्री को कॉर्पोरेटाइज करना और उसके लिए हायर एंड फायर रखो या निकालो वाले मजदूर उपलब्ध कराना, मतलब पूरे देश को एक व्यापक जो है किसानों को जाड़ के मजदूर आबादी में तब्दील करने की, ये सरकार की अपनी योजना है। तो 8 घंटे कानून था कि 8 घंटे काम कर सकते हैं, जब ये लागू हो जाएंगे नियम तो अब 12 घंटे काम, और उसमें एक कानूनों में कोड में ये भी बनाया गया है कि जब तक कंपनी का मुनाफा नहीं होगा, वो क्या कहते हैं प्रोडक्शन नहीं निकलेगा, तब तक वो आपको 12 घंटे या 16 घंटे तक काम कराएंगे। अपने लिए वो यूनियन नहीं बना सकते, या यूनियन की जो स्ट्राइक हो रही है उनमें आप नहीं जा सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, जो भी स्ट्राइक में जाएगा या साथ देगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे उन कर्मचारियों के खिलाफ। लेबर कोड अभी संसद से पास हो गए, लेकिन कुछ कानून जो राज्यों को बनाने होते हैं, कुछ नियम बनाने होते हैं, वो नियमावली नहीं बनी इसलिए लागू नहीं है, लेकिन पूंजीपतियों ने लागू करना शुरू कर दिया बड़े पैमाने पे, खुली और छिपी छटनी, BRS जिसको वॉलंटियर रिटायरमेंट बोलते हैं, वो FRS होता है, फोर्सफुली रिटायरमेंट स्कीम, वो लागू की जा रही है, और चौतरफा जो है मजदूरों पे और किसानों पे जो है ये हमला किया जा रहा है। दिक्कत यह है कंपनी का 8 साल का 6 साल काम करते हो गए, आज तक परमानेंट नहीं के काम, परमानेंट वालों को सैलरी 40,000 है, हमारा सैलरी आज 15,000-16,000 के ऊपर रुकी हुई है। पेपर लिया, पेपर लेने के बाद कोई आज तक रिजल्ट भी नहीं आया, और अपनी भी कंपनी में मजदूरों के प्रति बहुत घिनौना अपराध हो रहा है, जिसमें मान लो जो साथी हमारे 8-9 साल से इस कंपनी में कार्यरत हैं उनकी मान लो वेरिफिकेशन के नाम पे
या मतलब तुम्हारे डुप्लीकेट कागजों के नाम पे उनको मतलब भड़काया जा रहा है, मतलब कि मतलब तुम्हारे कागज़ सही नहीं है या ये नहीं है, उनको नोटिस जारी किया जा रहा है। हमारे को आगे का रास्ता यही है कि हम अपने एक साथ मतलब मजदूरों के किसानों के साथ हम लड़ाई अपनी चालू करेंगे तो हमारी लड़ाई आगे और बुलंद रहेगी।